जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार। मैं सावित्री यादव, आप मन के स्वागत करता हूँ अपन यूट्यूब चैनल सी जी सावित्री कुकिंग एंड ब्लॉग में। संगवारी हो, आज हरे मोर बड़े बेटा आशीष के जन्मदिन, तो आज मैं जन्मदिन ब्लॉग लेके आया हूँ आप मन पर। आप मन जन्मदिन ब्लॉग पूरा देखो संगवारी हो, बिल्कुल स्किप जन करो। हमन कैसे मनाहन आशीष के जन्मदिन और कहाँ कहाँ घूमे पर गए, आज वीडियो के माध्यम से आप मतलब पूरा देखे पर मिली। तो वीडियो में बने रहो संगवारी हो, बिल्कुल वीडियो ला स्किप जन करो। तो एक देखा तो आप मना हमन सब चारों जन मिलके फोटो खींचा आने करा, तो एक तैयार हो के सबों जन फोटो खींचा तैयार। 8 बजे के समय है रे रात के, एक मना केक लाए रहे और केक कटवाए हैं आशीष ला। तो ओकर बाद एक दादी है पूजा करत हवे, कि तिलक लगात हवे बर्थडे था। एक संगे संग में एक छोटे भाई हार्दिक भी बैठे है, देख सकते हो आप मना दोनों भाई बैठे है। और बच्चा मन बर्थडे रहते बहुत खुश रहते, आप मन तो समझ सकते हो ना बच्चा मन के भावना ला। तो एक पापा पूजा करत है, एक बात करूँ मैं यहाँ तो हम ना सब जन मिल के एक मन के तिलक विलक कर एक बात केक काटे आवन। तो आप मन वीडियो में बने रहो संगवारी हो, वीडियो ला पूरा देखो। और एक तिलक लगे के बाद एक फोटो भी लेते रहें, तो एक मैं यहाँ तिलक करत हूँ टीका लगा था हूँ, एक बाद हम ना एक केक कटवाबो। एक हार्दिक है उड़गिरी से, एक देख सकते हो केक ला कतका सुंदर हवे। और चॉकलेट फ्लेवर के रही से केक है, बहुत स्वादिष्ट लगते चॉकलेट फ्लेवर के। तो एक हार्दिक है परेशान करते है मैं खाऊँ करके। तो आशीष के बर्थडे है, तो आशीष ला काटन दे ऐसे करके बोला मैं मनाता हूँ। तो चलो अभी करा केक काट, अब एक केक काटना शुरू हो गए। देख सकते हो आशीष केक काटा थे, संग में हार्दिक भी काटा था वे। और दोनों जन केक काटे के बाद एक दूसरा ला खिलात है वे, तो कति खुश आवे मोर बेटा मना, देख सकते हो आप मना केक काटा थे करके। और बर्थडे है करके, बर्थडे बॉय है तो ज़्यादा ही एक्साइटेड है। ओकर बाद ओकर भाई ला देख सकते हो आप मना, छोटे भाई ला वो अभी बहुत खुश आवे कि आज भैया के बर्थडे है, केक खाओ ऐसे करके। तो दोनों जन एक दूसरा ला खबई से, एक बाद आ जाते एक पापा ये खिलाते केक काट के दोनों बच्चे ला खिला ही। तो एक मना 3-4 जन बस मिलके अगर बर्थडे मनान, काबर की कोई प्लान नहीं से बर्थडे मनाए के, अचानक से प्लान बनी से कि केक कटवाने के बाद ये मतलब बाहर घुमाए बल ले जाबो ऐसे करके। एक कारण कोई ला नहीं बुला रहे। और एक दोनों भाई ला खिलाए के बाद हमन भी बारी बारी से केक ला खिलाबो ये मल्ला, और जो भी गिफ्ट देना है दे देबो। ओकर बाद चलबो हमन हाँ बाहर। तय कर देखा तो आशीष अपन पापा ला केक खिलाते, तो हार्दिक हाँ केक ला चाकू से ही खाए शुरू कर दे। तो ओकर बाद एकर दादी खिला ही केक ला। तो हार्दिक बोला थे मुला भी खिलाओ ऐसे करके, तो हार्दिक ला भी केक खिला थे। बहुत ही ज़्यादा खुशरी से बच्चा देख सकते हो आप मना, दोनों बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है कि केक खा काटबो, केक आज मोर बर्थडे ही ऐसे करके। और छोटे से थोड़ा थोड़ा फुग्गा भी लगा दे देखा तो ऊपर में, ज़्यादा ताम झाम नहीं करें, एकदम सिंपल तरीक़े से एक बर्थडे मनाहन। ओकर बाद आ जाऊँ एक मैं यहाँ, तो केक काट के दोनों बच्चे ला मैं भी केक खिला दूँ। और ये मन भी मुला केक खिला दी। एक बाद देख सकते हो छोटे छोटे काटे के बाद, तो ए में लग रही से गुलाब के फूल, तो ये मना गुलाब के फूल खिला करके मुला बोलत रही से, तो मैं मला एक एक गुलाब फूल दोनों भाई ला खिलाया हूँ। बहुत सुंदर केक रही से, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रही से केक है। तो देख सकते हो दोनों बेटा ला मैं यहाँ केक खिला दे हूँ। ओकर बाद ये मना मोला खिलाई के, एक बार जाबो हम ना बाहर। तो आप ना बने रहो वीडियो में, बिल्कुल स्किप जन करो वीडियो ला, कहाँ कहाँ घूमे पर गए हैं, कहाँ बर्थडे बॉय ला कहाँ कहाँ घुमाए हैं, आप मन जरूर से देखो। और ओकर बाद एक आ जाता ना मना शीतला मंदिर, तो ये हमारे राजनांदगांव के सबसे बड़े शीतला मंदिर है, देख सकते हो इला बड़ी शीतला के नाम से भी जाने जाते हैं इला। तो यहाँ देख सकते हो दिन शनिवार रही से, तो हल्का फुल्का चहल पहल रही से, वैसे तो यहाँ रोज आना जाना लगे रहते भक्तगण के। तो आज मैं अपन बेटा ला बर्थडे के उपलक्ष्य में मंदिर ला हूँ घुमाए बर। और यह रे माता रानी के झूला शीतला माता के, तो देख सकते हो फोटो लगे हुए। और एक राजा मना मंदिर के अंदर में, तब बड़े बड़े दो पर घंटे लगे उन्हें बचा से लगा मना अग्निहोत्री से। तो एक कारण मैं वो आवाज ला रियल आवाज ला नहीं दे हूँ यहाँ पर, वॉइस रिकॉर्ड कर दे हूँ। तो ओकर बाद एक देख सकते हो दुर्गा माता के बड़े से मूर्ति बने हुए पीतल के है मूर्ति है। तो यही एक करी पूजा आशीषा। तो बाहर से कुछ ऐसे दिखते मंदिर है अंदर आने के बाद, तो दुर्गा माता के मूर्ति है ओकर
जस्ट पीछे में है अंदर में शीतला माता की मूर्ति, और देखा तो एक बंधन कलर में है गणपति जी। तो एक देख सकते हो दो ठोक दिया जलते, बहुत सुंदर है माता के मंदिर है। आप मन अगर राजनांदगांव से हो तो आप मन तो जरूर देखे हो, अगर नहीं हो तो आप मन जरूर यहाँ माता रानी के दर्शन करे बर हो। बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत सुंदर है मंदिर है। तो चलो एक आशीषा पूजा करी दुर्गा माता के, देख सकते हो नारियल चढ़ाते फूल और अगरबत्ती जलाई। तो एक पूजा करत रही सवे, तो एक फूल चढ़ाए पर फूल देन और बाद एक अगरबत्ती जलाई। दोनों भाई बहुत मस्ती कर करके पूजा करी सवे, एक देख सकते हो बहुत बढ़िया लगे सवे मंदिर आए हैं। था कम से कम हमारा एक घंटा रुके रहे मंदिर में, बहुत अच्छा लगते शांत वातावरण। और एक अगरबत्ती जलाए के बाद इन्होंने लगा दी अगरबत्ती जहाँ लगते वहाँ। एक बाद इन्होंने बोला था प्रणाम करो चलो ऐसा करके, और बाद अंदर की जो माता है ओकर पूजा करबो करके। तो एक जस्ट बगल में शिवलिंग है, देख सकते हो शिवलिंग, अब मतलब यहाँ शिव जी के पूरा मूर्ति रखे हुए हैं शिवलिंग है। और एक देख सकते हो अपना पूरा शिवलिंग शिव जी की ही पूरा मूर्ति हावे करा। तो एक मैं यहाँ घंटी बजाऊँ और एक शिव जी के प्रणाम करे हूँ। तो एक लैका मन भी आगरी से एक यहूँ मन सब पूजा पाठ करी से करा। तो एक देख हो गए शंकर जी की पूजा। अब हम जाबो बाहर तरफ, तो बाहर तरफ और छोटे छोटे बहुत सारा मंदिर हवे। तो एक आत हम हमने आप माला लेके चलते शीतला मंदिर से लगे हुए देख सकते हो अपन हनुमान जी के मंदिर है। तो यहाँ भी हम आए हैं दर्शन करे बार। तो हनुमान जी के मंदिर देख सकते हो, हनुमान जी की मूर्ति रखे हुए बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत बड़े से हुए। एक जस्ट बगल मरी से साईं बाबा के मंदिर देख सकते हो। साईं बाबा हर गुरुवार को यहाँ बहुत अच्छा से पूजा पाठ होते गुरुवार को, और यहाँ पर प्रसादी वितरण भी होते, बहुत अच्छा अच्छा बनाते यहाँ पर, खिचड़ा बनते पुलाव बनते और अनेक प्रकार के यहाँ पर प्रसाद वितरण होते गुरुवार के दिन। बहुत ज़्यादा भीड़ थे साईं बाबा के मंदिर है। तो एक महू आ गया हूँ प्रणाम कर लेता हूँ, ओकर बाद थाली मरी से प्रसाद और ललित से लैका बना। तो दो दो दाना लाइची दाना के प्रसाद ले हैं और जब मन सब बाहर निकले हैं। तो अगर साईं बाबा की मूर्ति देख सकते हो कतका सुंदर दिखाता है, बहुत सुंदर है साईं बाबा की मूर्ति है। एक रसंगवारी पूजा पाठ हो गए कंप्लीट और रात है बहुत हो गई से 10:30 के आसपास। तो हम एक आते आते आइसक्रीम दुकान में रुके हैं, बच्चा मन बोलते चलो आइसक्रीम खाओ करके। तो ए मल्ल में आइसक्रीम खिलाते हो, तो देख सकते हो एक संग संग में हमन भी आइसक्रीम खाए हैं। तो कैसे लगी संगवारी हो आज के बर्थडे ब्लॉग है आप मन कमेंट में जरूर बताओ, और मोर बेटल हैप्पी बर्थडे करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मोला इंतजार रही संगवारी हो, और वीडियो पसंद हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो भी नवा चैनल में सबमा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ला प्रेस कर दो। तो एक लगा दो संगवारी हो आप मन पर कुछ फोटो ला, तो आप मन जरूर से फोटो ला पूरा देखो। तो मिलते हो संगवारी नवा वीडियो के संग में, आप मन फोटो देखे पर झन बुलाओ। तो चलो लगा देता हूँ म्यूजिक।